आज पढ़ना है जो इंडियन लीगल सिस्टम है, भारत की जो विधिक व्यवस्था है, उसके बारे में कि केल्सन का जो मूल मानक का सिद्धांत है, ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत है, वो किस तरीके से भारतीय विधिक व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। ठीक, देखिए जितनी भी आपकी आइडियोलॉजी है ज्यूरिसप्रूडेंस में, जो भी आपके स्कूल्स हैं, उनके सारे स्कूल्स के जो है तमाम ऐसी बातें हैं जो भारतीय जुडिशरी में या लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम जो भी कहिए उसमें मिलते रहते हैं, मिल रहे हैं। तो जैसे यहाँ केल्सन का नाम लिखा हुआ है, तो केल्सन के अनुसार उसको कैसे हम देखें। ठीक है, आगे हार्ट, प्रोफेसर हार्ट मिलेंगे, उनके अनुसार भारत में लीगल सिस्टम किस तरीके से है। ठीक है, या कोई भी जुरिस्ट है, उसकी जो थ्योरीज हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पे इंडियन लीगल सिस्टम को देखा जा सकता है। तो फिलहाल केल्सन के आधार पे जो इनका ग्रैंड नाम का सिद्धांत है, मूल मानक का सिद्धांत है, वो कैसे इंडियन जुडिशरी में है और इस सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये मूल मानक शब्द अगर लिया जाए, तो ग्रैंड नॉर्म शब्द लिया जाए, तो इसके लिए हम एक शब्द अगर हमें इस्तेमाल करना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का जो हमारा संविधान है उससे जोड़कर रखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ग्रैंड नॉर्म के रूप में ये मिल रहा है। तो केल्सन की जो थ्योरी है वो किस तरह सेटिस्फाई करती है, क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम में केल्सन जैसी किसी बात को कहीं पर यूज किया गया है, मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है। ठीक, संविधान के लिए नियम दिया हुआ है कि इसका उल्लंघन, वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संविधान के लिए हम मान कर चलते हैं, हमारा लीगल सिस्टम मान के चलता है कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो विधियां हैं, लाज हैं, ये इसी संविधान से ठीक है शक्ति प्राप्त करती हैं। और इसी अनुरूप ठीक है इसको फॉलो करते हुए व्यवहार करेंगी। अर्थात कोई ऐसी विधि नहीं हो सकती है जो संविधान में लिखे हुए नॉर्म्स का उल्लंघन करे, उनका वायलेशन करे। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी एजेंसीज हैं, जो आपके तमाम पद हैं, किसी भी बात को कहा जाए, ठीक है, कुछ भी, राष्ट्रपति है, संसद है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन है, कोई भी हो, जो भी एजेंसीज हैं, ठीक है, वो भी इस संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी कि जो संविधान द्वारा बनाए गए सरकार कह सकते हैं, सरकार सरकार में सभी शामिल हो जाएंगे। सरकार शब्द अगर यूज कर लिया जाए, तो आपका लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी ये भी अपने पावर्स का जो उपयोग करेंगे, जो पावर्स का उपयोग करेंगे संविधान का उल्लंघन करने के लिए, वायलेशन करने के लिए नहीं करेंगे। और साथ ही साथ
इनकी जो शक्तियां हैं, इनका सोर्स स्रोत ये भी संविधान है। ऐसी कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान हमारा ग्रैंड नॉर्म के रूप में यहाँ पर भारत में मौजूद है। बड़ी अच्छी बात। अब क्या कुछ ऐसी बातें रही हैं, क्या कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिनके आधार पर इस बात को मान्यता भी दी गई हो, रिकॉग्नाइज भी किया गया हो, ठीक है, डिक्लेरेशन किया गया हो, घोषणा की गई हो कि किल्सन के इस नॉर्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम इंटरप्रेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा भी। तो ऐसे में दो तीन केस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, दो तीन केस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या सबसे नंबर वन पर केस रखना रहेगा तो सबसे अच्छी व्याख्या संविधान का, सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो आपका है वो है केशवानंद भारती का, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया, क्या बताया गया कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं होगा। अब बात आई, ये है क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो यही है, मूल मानक जो आपके हैं, ग्रैंड नॉर्म हैं, उस ग्रैंड नॉर्म में जो नॉर्म्स लिखे हुए हैं वही हैं ये मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म में जो नॉर्म्स लिखे हुए हैं, जो एक्चुअली ग्रैंड नॉर्म हैं, वो हमें कहाँ पर मिलेंगे इस संविधान के भीतर, वो हमें बेसिक स्ट्रक्चर में मिलेंगे। अब इसी ग्रैंड नॉर्म को एक्सप्लेन करते हुए कोई बात कही गई, ठीक है, एक डिफरेंस बताया गया। केशवानंद भारती का केस हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, लेकिन संविधान में पढ़ने का उद्देश्य भिन्न होता है। हम फाइनली जो बातें कही गई हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक तौर पर हमें बताया जाता है समझ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग केशवानंद भारती को हम एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो बेस है, ज्यूरिसप्रूडेंस बेस है। ज्यूरिसप्रूडेंस में जब केशवानंद भारती के स्टेटमेंट को निकालेंगे तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों में एक अंतर बताया गया कि संविधान जो है ठीक है वर्सेस संविधान वर्सेस संवैधानिक संशोधन, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको स्पष्ट किया गया केशवानंद भारती में। यह जो है संवैधानिक संशोधन है यह मूल नहीं है, यह ग्रैंड नॉर्म है, यानी कि जो संविधान हमें बना करके 26 जनवरी 1950 को दिया गया वो ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है। इस ग्रैंड नॉर्म के हायरार्की क्रम में यह सबसे ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग इसका अनुसरण करते हुए संवैधानिक संशोधन होने चाहिए, यानी कि इस ग्रैंड नॉर्म को अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दें, देखिए एरो को ध्यान दीजिएगा, संविधान का मूल ढांचा ग्रैंड नॉर्म के रूप में स्पष्ट किया गया और इसका अनुसरण करते हुए संविधान संशोधन होना चाहिए, यानी कि संविधान में और संवैधानिक संशोधन विधियों में अंतर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज में जमीन आसमान का अंतर है,
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रैंड नॉर्म है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज हैं, जो विधियां बनाई जा रही हैं, वो उसकी अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके पूरक के रूप में होना चाहिए, उससे पावर प्राप्त करने के रूप में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और इसी के आधार पर वैल्यूएशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का, कि वो वाइड हैं या वैलिड हैं। इसके बाद एक केस आता है आपका, ठीक है, जब ये बात क्लियर हो गई केशवानंद भारती में कि ग्रैंड नॉर्म के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हर एक चीज का निर्माण होगा, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, ना कोई एजेंसी उल्लंघन कर सकती है, ना ही कोई लॉ उल्लंघन कर सकता है, ठीक है, सारी पावर यहीं पर निहित है, यहीं से सभी लोग, ठीक है, गिफ्ट पा रहे हैं अपने पावर्स को यूज करने का, ठीक। अगला केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण, ठीक है, 1976 का केस है। जब ये आता है तो यहां पर, ठीक है, यहां पर इस मामले में भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण में जस्टिस बेग थे, जस्टिस बेग ने बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने जो केल्सन की बुक है जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, इसका रेफरेंस देते हुए इसमें कहा कि जो स्टेटस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को है, ठीक है, इसका नहीं है, ठीक है, स्टेटस किसको मिला, ग्रैंड नॉर्म के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वो स्थिति नहीं प्राप्त है, वो स्टेटस नहीं प्राप्त है, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। फिर जब इसकी विधि मान्यता की बात होगी, मतलब कुल मिला के बात वही रही, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की विधि मान्यता की बात हो गई कि उसके वैलिडिटी किस तरीके से रहेगी, तो हम किसके रेफरेंस में उसको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रेफरेंस में हम देखेंगे। तो ये दोनों केस इस बात को एक बड़े स्तर पर डिफाइन करते हैं कि आप इस चीज को समझिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर ऐसा बहुत सिंपली जान लीजिए, आज की डेट में अगर आपको जो है जुडिशियल रिव्यू को स्पष्ट तौर पे जानना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो पावर जो जुडिशियल रिव्यू की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, तो ऐसे ही नहीं मिली हुई है, उसके पीछे पूरा रिसर्च अनुसंधान है कि वो जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हुए करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हायरार्की क्रम में टॉप पर रखते हुए ग्रैंड नॉर्म के रूप में यूज करते हुए अदर कोई भी एक्ट हो, जनरल रूल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, उसके कोई रूल रेगुलेशंस हो, सबको जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये ग्रैंड नॉर्म के अकॉर्डेंस में है या ग्रैंड नॉर्म को वायलेट कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है, मूल ढांचे के सिद्धांत को तोड़ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, तो वहीं पर उसको वाइड कर दिया जाता है। यह बात कहां से आई, कॉन्स्टिट्यूशन की टॉप पर जाने की बात। तो आप जानते हैं, पिछली ही क्लास में आपने पढ़ा है कि यहां पर ग्रैंड नॉर्म, फिर उसके नीचे नॉर्म्स आते जाते हैं, वो वहीं से पावर प्राप्त करते हैं, यानी कि एक सूर्य की तरीके से ग्रैंड नॉर्म आपका बैठा हुआ है और नीचे सभी, चाहे वो कोई जनरल एक्ट हो, जनरल प्रोविजन हो, प्रोसीजरल एक्ट हो, सब्सटेंटिव लॉ हो, किसी भी प्रकार का लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, कुछ भी हो, कोई रूल रेगुलेशन हो, सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका वायलेशन करेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। पावर यहाँ से मिल रही है, पावर जो आपको दे रहा है, शक्ति प्रदत्त कर रहा है, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं।
इंदिरा राज नारायण नेहरू, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण में भी यही कहा गया। ठीक है, इसके बाद अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी बताया गया कि अपनी शक्ति का सृजन, कंस्ट्रक्शन स्वयं करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही गई। केल्सन को और स्पष्ट कर दिया गया, केल्सन को स्पष्ट करते उनके ग्रैंड नॉर्म को और अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया कि ग्रैंड नॉर्म क्यों है। वो खुद अपने पावर्स का, अपनी कैपेसिटी का जो है कंस्ट्रक्शन करती है, कोई और नहीं कर सकता है। यही खास बात थी केल्सन की। केल्सन ने सॉवरेन कमांड, मोरलिटी, हर एक चीज को लॉ से बाहर कर दिया और ग्रैंड नॉर्म का जो थ्योरी दिया, प्योर लॉ थ्योरी दी, जो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, उसके आधार पर अब ये लॉ को पावर कहाँ मिल रही है, कहाँ से यह ग्रैंड बन रहा है। इंदिरा नेहरू गांधी के बाद में बहुत स्पष्ट कहा गया कि यह अपनी शक्तियों का सृजन स्वयं करती है, यानी स्वयं से ही पावरफुल है, पावर को अपनी बढ़ाती रहती है और कोई अदर लाज इसको पावरफुल नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो लाज इससे पावर अडॉप्ट करते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई। ठीक है, और बेनिफिट बताया गया कि अगर ग्रैंड नॉर्म को टॉप पर रखा जा रहा है, अदर लॉज रूल रेगुलेशंस उससे ही पावर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे विधियों में समानता होगी। ठीक है, विधियां एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगी, यानी कि जैसे परिवार में एक कर्ता होता है तो कर्ता को ये माना जाता है कि वो परिवार के सभी लोगों को समान रूप से जो है मेंटेनेंस देगा, समान रूप से मेंटेन करेगा। वैसे ही ग्रैंड नॉर्म के लिए कहा गया इस बात में कि यही यही सभी को जैसी जरूरत है वैसी ही बराबर से पावर कैपेसिटी देगी, और जब सब जितने भी जो है लाज हैं, कुछ भी हैं, वो सब इसी की ओर है, इसी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो पाएगा, इनमें कोई विरोधाभास नहीं हो पाएगा। यह जब सभी की पावर का सोर्स ऑफ पावर सिंगल होगा, ग्रैंड नॉर्म होगा, तो विरोधाभास ना होते हुए, एक दूसरे के अगेंस्ट ना होते हुए क्या होंगे, ये एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी लॉ ग्रैंड नॉर्म का वायलेशन नहीं कर सकता है। क्लियर है। इन्हीं केसों में एक और विशेष बात चर्चा में रही, दो चीजों को, जैसे बात चल रही है बेसिक स्ट्रक्चर की, यहां इन सब केसों में मुख्य रूप से इंदिरा नेहरू गांधी में, ठीक है, क्योंकि यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जब हो गई, क्लियर हो गई, सभी को यह बात समझ में आ गया। ठीक है, तो केशवानंद भारती के बाद सबसे अच्छा फर्स्ट केस के रूप में अगर देखा जाए, अच्छी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को बेस बनाते हुए एक्सप्लेन किया जाना, वो इंदिरा नेहरू गांधी ही है, फिर मिनरवा मिल्स आएगा, पहले इंदिरा नेहरू गांधी। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पारित होने के बाद पहला कौन सा केस था जिसने इस आधार पर चर्चा की, बड़े बृहद तरीके से चर्चा की, तो उसका आंसर है इंदिरा नेहरू गांधी। बच्चों ने लगा दिया था मिनरवा मिल्स, लेकिन मिनरवा मिल्स से पहले 1976 का है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया था। इसमें दो विशेष वर्ड्स को यूज किया गया था, वो वर्ड्स हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, और दूसरा है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, इन दो को विशेष तौर पर जो है एक चर्चा की गई, इन दोनों की विशेष तौर पर चर्चा की गई। जुडिशियल रिव्यू, आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू ही इन बातों को एक्सप्लेन कर सकती है,
और जो पावर्स की बात हो रही है, ग्रैंड नॉर्म और अदर नॉर्म्स की बात हो रही है, तो वही तो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक, इसको सबसे पावरफुल बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड के रूप में बना दिया गया, बाकी के पावर्स को सेपरेट करते हुए, एक दूसरे का पूरक बनाते हुए, उसी ग्रैंड नॉर्म से ही पावर को अडाप्ट करने को की थ्योरी को बताया गया। ये दो सबसे बड़े मानक हैं, ठीक है। इन दोनों को बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, इसमें सबसे बड़े मानक के रूप में माना गया। हालांकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही ग्रैंड नॉर्म माना गया, ये ग्रैंड नॉर्म्स नहीं है, लेकिन इस ग्रैंड नॉर्म के सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स के रूप में बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर, यह दोनों, ठीक है, एक आधार बेस देते हैं ग्रैंड नॉर्म होने का संविधान को, क्योंकि इसी के जरिए हम वैल्यूएशन कर सकते हैं लॉज की, और इसी के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि विधियां, रूल, रेगुलेशंस, एजेंसी जो भी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और ग्रैंड नॉर्म ने इनको सेपरेट सेपरेट पावर्स दिया है, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं। इन दोनों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया बेसिक स्ट्रक्चर में, यानी ग्रैंड नॉर्म के सिम्टम के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, और यही बात दोहराई गई मिनर्वा मिल्स के बाद में भी। इसी बात को मिनर्वा मिल्स के बाद में भी दोहराया गया और कहा गया कि यही कसौटी है, ठीक है, इसे बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी कह सकते हैं। यानी कि आपके पास कसौटी पत्थर है, सोना उसी पर घिस करके हम पता कर सकते हैं कि ये सोना है, किस क्वालिटी का सोना है। तो वैसे ही संविधान जो ग्रैंड नॉर्म है, उस संविधान में कसौटी स्टोन यही दोनों हैं, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर्स। इन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि क्या वैल्यू होगी, कैसे संविधान हमारा ग्रैंड नॉर्म है, क्या वैल्यू होगी, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी में तो किया ही गया, ऐसी ही बात दोहराई गई मिनर्वा मिल्स के भी बाद में। तो इस बात को समझे रहिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी बेस कौन है, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इन दोनों को बताया गया, ठीक है, इसमें खरा उतने बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लिख लेते हैं। कुलवंत कौर वर्सेज गुरदयाल सिंह मान, कुलवंत कौर वर्सेज गुरदयाल सिंह मान, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये है 2001 का, 2001 का एक केस है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई, क्या कहा गया, ग्रैंड नॉर्म के रूप में ही संविधान को एक्सप्लेन करते हुए और व्यवहारिक बना दिया गया और प्रैक्टिकल। जैसे ग्रैंड नॉर्म चर्चा में आ रहा है, जिसने लॉ पढ़ा है, लॉ में ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ा है, ज्यूरिसप्रूडेंस में केल्सन को पढ़ा है, वो समझ सकता है ग्रैंड नॉर्म को, नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, नहीं समझ में आया है तो कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। बिल्कुल इजी फ्लो में इन्होंने इस केस में क्या कहा, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कहा, बिल्कुल जनरल कहा, पैरेंट डॉक्यूमेंट कहा, पैरेंट डॉक्यूमेंट, पित्र दस्तावेज कहा, कितनी सरल भाषा में स्पष्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ग्रैंड नॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, जाने दीजिए, पिता तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे परिवार में पिता की स्थिति होती है, उसी तरीके से हमारे लीगल फैमिली में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति है, वहीं से सब जनरेट हो रहे हैं,
पित्र दस्तावेज कहते हुए क्या कहा गया कि यहीं से सब जनरेट हो रहे हैं, यहीं से सब पावरफुल हो रहे हैं, यहीं से सारा कुछ है, यानी कि यही ग्रैंड नॉर्म है, संविधान हमारा मूल मानक है, पेरेंट डॉक्यूमेंट है, यहीं से सारी अथॉरिटीज अपने पावर को पा रही हैं, यहीं से लॉज रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स जो कुछ भी हैं सब लोग निकल कर आ रहे हैं, और जो कोई अलग से अपना अस्तित्व रखना चाहता है और इसका वायलेशन करता है वह भारत में मान्य नहीं होगा। पेरेंट डॉक्यूमेंट के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया कुलवंत कौर वर्सेज गुरजीत सिंह गुरदयाल सिंह मान के वाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्लियर है? यानी कि समरी में अब हम कह सकते हैं कि केल्सन का ग्रैंड नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के लीगल सिस्टम में या इंडिया में क्या उसकी स्थिति है, तो उसके लिए हमने देखा कि ग्रैंड नॉर्म के रूप में भारत के संविधान को रख करके एक्सप्लेन किया गया है। तमाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए केस लॉज में यह एक्सप्लेन किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि संविधान को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। और आपको याद होगा जे जयललिता जी के मामले में एक बात कही गई थी, ठीक है, क्या कहा गया था कि जनादेश पर जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, ठीक है, यानी कि हमारे आपके जो जनादेश है, हमारे आपका जो सामूहिक निर्णय है वह भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आएगा। तो इस बात को भी आपको समझना रहेगा कि यह बात कही क्यों गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि जयललिता जी को इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लग गया सजा होने की वजह से। जब इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आता है तो उनकी पार्टी AIADMK 2/3 बहुमत से जीत कर आती है। संविधान में नियम लिखा हुआ है, बात को समझिएगा, संविधान में नियम लिखा हुआ है कि विधायक दल का जो नेता होगा, बहुमत दल विधायक दल का जो बहुमत हो, जिस बहुमत दल को हो उसका जो नेता होगा वही चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट के रूप में चुना जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, उसी की नियुक्ति होगी। अब बात आई 2/3 बहुमत से विधायक, और उसके लिए यह भी शर्त है कि जरूरी नहीं है कि वो विधायक हो, वो कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है। जब 2/3 बहुमत से पार्टी चुन करके आती है तो अपने विधायक दल का नेता जयललिता जी को चुनती है। अब जयललिता जी को जब चुन लिया गया तो क्या क्या संविधान में लिखे हुए नियमों के तहत बाध्य है गवर्नर कि उस विधायक दल के नेता को अपॉइंट किया जाए चीफ मिनिस्टर के रूप में? और वहीं पर यह भी नियम है, एक संवैधानिक नियम है, संविधान संगत नियम है, संविधान को मेंटेन करने वाला नियम है कि आपराधिक छवि के अपराध के रूप में यदि किसी को दंड दिया जाए, ठीक है, तो वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और जब इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ने पर ही उसके प्रतिबंध है, तो क्या उसे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तब इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक लाइन में एक बात कहा गया, क्या कहा गया कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स ऑन पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन पर प्रिवेल करेगा संविधान, यानी कि ग्रैंड नॉर्म है संविधान, ठीक है, इसके अनुसरण में ही किसी भी बात को आप कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। संविधान का मूल उद्देश्य है कि फ्रेश छवि के ऐसे लोग आए जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम लीगल सिस्टम को मेंटेन करें, ना कि ऐसे लोग आए जो किसी दूसरे रास्ते से प्रतिबंधित हों। तो संविधान को अभिभावी बनाते हुए उनके अपॉइंटमेंट के अधिकार को वहीं पर ब्रेक कर दिया गया कि नहीं, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप बहुमत दल का नेता चुन करके, क्योंकि ये रिफर उनकी तरफ से कहा गया था कि जब जनता ही चाहती है तो जनता संविधान से ऊपर नहीं है।
जनता की राय संविधान से ऊपर नहीं है। ये बात स्पष्ट होती है, किस मामले में स्पष्ट होती है, ग्रैंड नॉर्म के मामले में स्पष्ट होती है कि ग्रैंड नॉर्म ग्रैंड ही रहेगा, कोई इसकी शक्ति का सोर्स नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो ग्रैंड नॉर्म होता है अपनी शक्ति का कंस्ट्रक्शन सृजन वो स्वयं करता है, कोई और नहीं करता है। तो इस बात को रिफर करते हुए बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्या होगा। दसियों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहानी बनाकर लिख देता है, हमको लगता है कि नहीं यहाँ जब जनता चुन ही ली तो फिर दो बटे तीन बहुमत भी सब कुछ है, तो कैसे रट के गए हुए हैं। भारत की सर्वोच्च सॉवरेंटी कहाँ पर है, हम भारत के लोगों में है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो रटे रहिए। अरे वी द पीपुल ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि क्योंकि आपका प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया की वैल्यू आप कैसे करेंगे, तो आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा, पीपुल ऑफ इंडिया को बाहर हटा करके नहीं करना होगा। तो उस बात को समझेंगे तो किसी भी तरीके के प्रश्न में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा और बहुत स्पष्ट तौर पर है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि इसका वायलेशन नहीं हो सकता, इसलिए ग्रैंड नॉर्म है। कोई लाज हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता, ये पावर्स भी वहीं से पा रहे हैं। और उसे एक्सप्लेन करते हुए केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इंदिरा राजनारायण, इंदिरा वर्सेज राजनारायण में जो है इसको ग्रैंड नॉर्म के रूप में स्वयं शक्ति का स्रोत बताया गया, और कुलवंत कौर में आसान बनाते हुए कह दिया गया कि ये पेरेंट डॉक्यूमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, अदर तरीके से नहीं होगा। क्लियर है? ऐसी चीजों को समझते हुए आप मेहनत से पढ़िए, बातों को समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस वो एक सब्जेक्ट है जो आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी नंबर दिलाता है। अगर आप यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के उस सब्जेक्ट के रूप में ना रख करके चीज़ों को समझते हुए रेफरेंस देते हुए अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे सीक्वेंस में लिखते हैं, यह सिखाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो आपको आईपीसी में भी नंबर मिलेगा, सीआरपीसी में भी मिलेगा, सीपीसी में भी मिलेगा, प्रोसीजरल एक्ट हो या सब्सटेंटिव लॉ हो, हर जगह नंबर मिलेगा आपको। केल्सन, बेंथम, ऑस्टिन जरूरी नहीं है कि उनको रिफर करके आप लिखिए, बल्कि यहाँ से लैंग्वेज को समझिए, अच्छी तरीके से अपने उत्तर को लिखिए, सबसे बेहतर नंबर पाएंगे, टॉप करने का रास्ता आपका खुल जाएगा, सिलेक्शन तो छोटी बात रह जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इशू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।